महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने 1947 में भारत में जो आखिरी 3 चीते बचे हुए थे उसका शिकार करके उसे मार डाला, जिसके बाद से भारत में चीता विलुप्त हो गया। लेकिन 75 साल बाद इंडिया में आज 8 चीते लाए गए, जिसमें 3 मेल हैं और 5 फीमेल्स। दरअसल जुलाई 2022 में नामीबिया के मिनिस्टर यहां पर आए हुए थे। वो भारत के साथ एक एमयू साइन करते हैं और इंडिया को 8 चीता डोनेट करने की घोषणा करते हैं। जुलाई में ये बात हुई थी एंड आज 17 सितंबर को यानी कि प्रधानमंत्री के बर्थडे के दिन ये चीता आ भी गया और इसको लाने में करीब 75 करोड़ रुपए खर्च हुए। बोइंग 747-400 जॉम्बो एयरक्राफ्ट को अच्छे से पेंट किया गया, चीते के डिजाइन में इसे सजाया गया और फिर एयरक्राफ्ट अफ्रीका गया एंड अफ्रीका के देश नामीबिया से 8 चीतों को लेकर आ गया। वैसे आने वाले 5 सालों में भारत 50 चीते और मंगाने वाला है। अब कुछ समझदार लोग बोलेंगे, इतना ज्यादा सरकारी पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? तो इसमें जो पैसे खर्च हुए हैं उसमें से 50 करोड़ रुपए तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने दिया है और इसे बचाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब पूरी दुनिया में सिर्फ 7,000 चीते ही बचे हुए हैं। अच्छा, वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन है, ये चीता बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करता है, गुर्राता है या शेर की तरह दहाड़ता है? गेस करो। थैंक यू।